हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो जैसे कि टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो बाइसेप्स के ऊपर होने वाली है, मोस्टली बाइसेप्स की पीक के ऊपर, कि हम पीक कैसे डेवलप करें। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं कुछ छोटे बहुत पॉइंट आपको बताऊँगा बाइसेप्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो एक चीज़ है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी फैट कैरी कर रहे हैं अभी अपनी बॉडी में, तो आपको अपनी पीक दिखेगी नहीं। पीक और जो बाइसेप का वो जो स्ट्रक्चर है उसको विजिबल होने के लिए आपको फैट परसेंटेज अपनी कम करनी पड़ेगी, तभी आपकी पीक विजिबल होगी, अनलेस एंड अनटिल नहीं होगी। तो ये तो हमने आउट ऑफ द वे कर दिया कि पहले आप अपना फैट परसेंटेज कम करो, उसके बाद ही आपको अपनी पीक विजिबल होगी, ठीक है। और अब क्या है, दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो थोड़ा बहुत बाइसेप्स की एनाटॉमी के बारे में, कि बाइसेप मसल जो है वो कहाँ पर इंसर्ट होता है, कहाँ से निकलता है, ताकि उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि आपको किस तरह से ट्रेन करना पीक के लिए। अब हमारा बाइसेप्स जैसे कि नाम बताता है, इसके दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड। दोनों हेड्स जो हैं वो स्कैपुला से ही निकलते हैं, स्कैपुला हमारी बोन है, यहाँ पे वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। बट जो उसका लॉन्ग हेड है ये हमारा शोल्डर जॉइंट जो है इसको क्रॉस करता है और फिर हमारी जो ह्यूमरस, ये बोन है मतलब आर्म की, अपर आर्म जो है इधर की बोन है, इसमें बाइसिपिटल ग्रूव होता है, उसके बीच में से रन करता है। पर जो हमारा शॉर्ट हेड है इट डज नॉट क्रॉस द शोल्डर जॉइंट, ये स्कैपुला से ही निकलता है और हमारे यहाँ पे रेडियस जो बोन है यहाँ पे जाके इंसर्ट होता है। दोनों हेड स्कैपुला से निकलते हैं और हमारी जो आर्म, ये फोर आर्म वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो आपको पता चल गया। अब क्या है, जो हमारा मेनली पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा लॉन्ग हेड होता है, ना कि शॉर्ट हेड। लोगों को लगता है जैसे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर्ल कर रहे हैं या हम कोई भी प्रीचर कर रहे हैं, तो पहले जब हम जिम में जाते थे हमें बोलते थे प्रीचर करो, कॉन्सेंट्रेशन करो, अगर आपको वो पीक चाहिए। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेनली जो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल है और जो प्रीचर कर्ल है ये मेनली टारगेट करते हैं आपके शॉर्ट हेड को, क्योंकि इसमें आपका जो शोल्डर है ये एक्सटेंडेड नहीं है, ये फ्लेक्स पोजिशन में, तो आपका लॉन्ग हेड जो है वो तो इसमें ज़्यादा काम कर नहीं रहा। तो इसीलिए आपको अगर अपना बाइसेप का पीक चाहिए तो आपको अपना लॉन्ग हेड ट्रेन करना है, और लॉन्ग हेड अगर आपको अपना ट्रेन करना है तो उसके लिए आपको आपका जो ये आर्म है एज शोल्डर जॉइंट, ये थोड़ा एक्सटेंशन में होना चाहिए, मतलब पीछे की तरफ, क्योंकि शोल्डर जॉइंट पे आर्म की ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है। तो जब आप आर्म का शोल्डर जॉइंट पे एक्सटेंड करोगे थोड़ा सा, तो आपका जो लॉन्ग हेड है ये स्ट्रेच होगा, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करता है। होप आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मतलब हमारे बाइसेप्स की थोड़ी एनाटॉमी और कि हमारा लॉन्ग हेड कहाँ से आता है, शॉर्ट हेड कहाँ से आता है। अब चलते हैं हमारे बाइसेप्स के फंक्शंस की तरफ। हमारे बाइसेप्स के दो फंक्शन है, एक हो गया हमारा फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट, फ्लेक्शन मतलब ये, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा जैसे ये प्रोनेशन इसको बोलते हैं, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ये हमारे बाइसेप के दो फंक्शन है। जब हम एनाटॉमी में जाते थे तो हमको उन्होंने ये प्रोनेशन है मतलब पुट्ठा बोलते थे इसको, और सुपिनेशन हो गया सीधा, पुट्ठा सीधा। तो बाइसेप जो है हमारा फोर आर्म अगर आपकी पुट्ठी है तो उसको सीधा करेगा, इसमें बाइसेप आपका एक्टिवेट होगा, और साथ में जब आपने ये फ्लेक्स किया आर्म को एल्बो पे, ठीक है। तो ये आपकी दो मूवमेंट हैं, आप जब भी ये मूवमेंट अपने करेंगे तो आपके बाइसेप्स जो हैं वो ट्रेन होंगे। अब ये वेरी करता है कि आप किस तरह से कैसे कोई मूवमेंट करेंगे, तो आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा होगा, और जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक्सटेंड करेंगे थोड़ा तो आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और फ्लेक्स करेंगे आप आर्म को तो आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अब हमारे लॉन्ग और शॉर्ट हेड तो हो गया, अब हमारे लॉन्ग हेड के साथ ही एक नीचे थोड़ा जो मसल होता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं हम ब्रेकियालिस। इसकी जो अटैचमेंट है ये रेडियस पे नहीं होती है, ये सिर्फ अल्ना पे अटैच होता है। जो हमारी दो बोन्स मैंने आपको बताई ना, इस तरफ मीडियल वाली साइड अल्ना है और बाहर वाली साइड रेडियस होती है। तो इसका क्या काम है, इसका जो पुट्ठा सीधा जो मैंने आपको बताया उसमें ब्रेकियालिस का कोई काम नहीं है। इसलिए इस जब भी हम आम हमारी पुट्ठी है और हम यहाँ पे फ्लेक्स करेंगे जब इस तरह से, तो जो हमारा मसल जो है जो इसमें काम आएगा वो ब्रेकियालिस आएगा, और बाइसेप्स इसमें कम इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि अगर आपकी आम पुट्ठी है और आपने इसको सीधा किया और फ्लेक्स किया तो मेनली आपके बाइसेप्स जो हैं काम करेंगे। आप खुद इसको फील करके देखो, ये करके कि आपको ये महसूस होगा। बट जब आपकी आर्म पुट्ठी है और आप इसी में इसको फ्लेक्स करेंगे तब आप देखो कि आपके ये बाइसेप्स जो हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि इनका काम ही नहीं है, ये आपके ब्रेकियालिस मसल का काम है। इसलिए हम बोलते हैं ना रिवर्स कर्ल करो, क्योंकि जो हमारी
प्रोनेटेड पोजीशन में, फ्लेक्शन ऑफ जो आर्म एल्बो पे हो रही है उसमें एक ब्रेकियोरेडियालिस जो हमारा फोरआर्म का मसल है और हमारा ब्रेकियालिस जो ये वाला मसल है उसी का काम है। आपको थोड़ा शायद समझ लग गया होगा कि आपको क्या करना है अगर आपको पीक चाहिए, मतलब अगर आपको अपनी पीक चाहिए तो आपको लॉन्ग हेड ट्रेन करना ज़्यादा, और अगर आपको सामने से थिकनेस मतलब अपनी विड्थ चाहिए बाइसेप की कि बड़ा दिखे तो आपको शॉर्ट हेड, क्योंकि शॉर्ट हेड अंदर की तरफ यहाँ से आपका निकल रहा है और आपका लॉन्ग हेड ये यहाँ से और ये जाके पीछे अटैच होगा, तो आपकी पीक लॉन्ग हेड से आएगी और आपकी जो विड्थ है बाइसेप की वो आपके शॉर्ट हेड से आएगी। तो बस इतना ही था। अब आप चलिए देखिए कौन सी तीन एक्सरसाइजेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन द ऑर्डर। अगर आप यहाँ तक बने ही हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियोस को वॉच कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। बस इतना ही था आज का वीडियो, अब आप तीनों एक्सरसाइज देखिए। धन्यवाद। सो द थर्ड एक्सरसाइज इज बार्बल बाइसेप कर्ल। इसमें आपको ग्रिप जो है अपनी शोल्डर विड्थ अपार्ट लेनी है, ना कि ज़्यादा वाइड लेनी है ना ज़्यादा नैरो लेनी है। अगर आप ज़्यादा वाइड लेंगे तो आपका शॉर्ट हेड पे जो है वो असर आएगा, तो आपको अपने शोल्डर विड्थ के हिसाब से अपनी बाइसेप की ये ग्रिप रखनी है ताकि आपका लॉन्ग हेड पे ज़्यादा इफेक्ट आए। You in my sight, I keep all the words you said to me. I get you on your knees, rewind all the things you said that I should be. I'll get you now, you'll beg me please. So the second exercise is incline dumbbell bicep curl. 45 degrees का आपको इसमें बेंच पे इंक्लाइन रखना है एंड आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसमें आपको अपनी आर्म्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेच करके पीछे की तरफ रखनी है और आपको स्विंग नहीं लेना, आपको आगे की तरफ नहीं आना, नहीं तो आपके जो डेल्ट्स हैं उन पे वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको अपनी स्ट्रिक्ट रखनी है आर्म स्ट्रेच करके पीछे और आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है। तो जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है और जो कि मुझे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है बाइसेप के पीक के लिए, वो है बिहाइंड द बॉडी केबल कर्ल। जब आप ये केबल पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो थ्रू आउट द मोशन जो है आपका रेजिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहता है, तो मेरे लिए ये सबसे नंबर वन टॉप एक्सरसाइज आती है अगर आपको अपने पीक चाहिए और अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करना है। तो इसमें भी आपकी जो आर्म है एट शोल्डर जॉइंट वो एक्सटेंडेड होती है, इसलिए आपका जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है वो इसमें एक्शन में आ जाता है और आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। Now I stay away, I don't hear you say you're sorry.